हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, पीएम मोदी ने की घोषणा। खबर है कि पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की और इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पीएम ने कहा कि हमें 2024 में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अयोध्या में जनवरी 2024 में गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बहुत ही तेजी से बनाया जा रहा है। भगवान राम जहां विराजमान होंगे उस गर्भगृह का निर्माण भी लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 में भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और इसके साथ ही मंदिर के प्रथम फेज का कार्य लगभग 85% पूरा हो गया है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि गर्भगृह वह है जहां भगवान के विग्रह की स्थापना की जाती है। कर्नाटक में हो गया ऐलान, मिलेंगे 2,000 रुपए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पहली कैबिनेट बैठक में गृह लक्ष्मी और अन्य भाग्य योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। गृह लक्ष्मी योजना में कर्नाटक में घर की हर एक महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं अन्य भाग्य योजना के तहत सभी बीपीएल परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से हर महीने मुफ्त 10 किलो चावल दिया जाएगा। रूस ने बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकियनों के अपने देश में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने 500 अमेरिकियनों पर अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन अमेरिकियनों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, कॉमेडियन स्टीफन कोलबर्ट, टेलीविजन होस्ट जिमी किमेल, कॉमेडियन सेठ मायर्स, CNN की एंकर एरिन बर्नेट शामिल हैं। सूची में अमेरिकी संसद के सदस्य भी शामिल हैं। असम में शिक्षकों को ड्रेस कोड का पालन करने का मिला निर्देश, जींस व लेगिंग पहनने पर लगी रोक। असम सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ने पुरुष शिक्षकों के ड्यूटी पर जींस व टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है, जबकि महिला शिक्षकों के जींस टी शर्ट व लेगिंग पहनने पर रोक लगाई गई है। पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल कपड़ों में ड्यूटी पर आने को कहा गया है, वहीं महिला शिक्षक सलवार सूट या साड़ी में ड्यूटी पर आएं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों के लिए सहायता राशि 25,000 रुपए करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सामूहिक विवाह में शामिल नवविवाहित जोड़ों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। शिंदे ने पालघर में आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ये घोषणा की है। बकौल शिंदे, सामूहिक विवाह समय की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी शादियों का खर्च नहीं उठा सकते। राजस्थान क्रैश की जांच पूरी होने तक MiG-21 के उड़ान भरने पर वायुसेना ने लगाई रोक। ANI के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 नागरिकों की जान चली गई थी, जिसकी जाँच पूरी होने तक ये रोक लगाई गई है। बकौल रिपोर्ट, MiG-21 के बचे हुए तीनों दस्तों को चरणबद्ध तरीके से 2025 की शुरुआती हिस्से तक हटाया जाए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।